न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं PSJ TVS, DPS आसनसोल, सुधा हेल्थ केयर, बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, फर्नीचर वर्ल्ड, चेस ज्वेलरी, मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, सुधा उद्योग, TN घाटी, आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकर्स, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल। आसनसोल के नए मेयर विधान उपाध्याय को अब भी सम्मानित करने का सिलसिला जारी। उत्तर प्रदेश के बनारस में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को काला झंडा दिखाने के विरोध में दुर्गापुर में यूपी के सीएम योगी का जलाया गया पुतला। अंडाल में टीएमसी के दो गुटों में झमेला, बमबाजी का आरोप। आसनसोल नगर निगम के 28 नंबर वार्ड के कांग्रेस पार्षद गुलाम सरवर ने नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय को गुरुवार को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि आसनसोल नगर निगम के 15 विपक्षी पार्षद हैं, जिसमें 7 भाजपा के, 3 कांग्रेस के, 2 वाम मोर्चा के और 3 निर्दलीय हैं। इन विपक्षी पार्षदों के लिए नगर निगम के द्वारा एक अलग कमरा का व्यवस्था किया जाए, जिसमें लॉकर की सुविधा हो, ताकि पार्षद अपने कागजात को सुरक्षित रख सके। पश्चिम बर्धमान जिला के रिफैक्टरीज मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के एक प्रतिनिधि मंडल गुरुवार को आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय और चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी को उत्तरीय पहनाकर एवं फूल का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। इस मौके पर एसोसिएशन के महासचिव सह बंगभूमि क्लस्टर रिफैक्टरीज मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के चेयरमैन अशोक चक्रवर्ती ने कहा कि पश्चिम बंगाल पश्चिम बर्धमान जिले में लगभग 100 रिफैक्टरीज है। इसके प्रतिनिधि के रूप में हम लोगों ने आज मेयर और चेयरमैन को सम्मानित कर उन्हें बधाई दी। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उत्प्रेरणा से पश्चिम बर्धमान जिले में राज्य का सबसे बड़ा रिफैक्टरीज क्लस्टर का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें बिना किसी ब्याज के 12 करोड़ केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है, जिसके लागत से क्लस्टर का निर्माण हो रहा है। जून तक क्लस्टर का कार्य पूरा हो जाएगा। क्लस्टर का कार्य शुरू होने पर सभी को बुलाया जाएगा। हम लोग प्रयास करेंगे कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वयं इसका उद्घाटन करें। উইথ দ্য ব্লেসিংস অফ মমতা ব্যানার্জি রিফ্র্যাক্টিভ ম্যানুফ্যাকচার নাম হচ্ছে বঙ্গভূমি ক্লাস্টার অফ রিফ্র্যাক্টিভ অ্যাসোসিয়েশন, বঙ্গভূমি ক্লাস্টার অফ রিফ্র্যাক্টিভ অ্যাসোসিয়েশন। ওর ওইটারও ফাউন্ডেশন স্টোন বিধানবাবু, মলয়বাবু আর উজ্জ্বলবাবু রেখেছিলেন। ইট ইজ অ্যাওয়ার্ড টু বি কমপ্লিটেড, 12 কোটি টাকার প্রজেক্ট, উইদাউট ইন্টারেস্ট আমরা টাকাটা স্টেট গভর্নমেন্ট এবং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে পেয়েছি এবং প্রায় কাজ শেষের মুখে। যখন ফাউন্ডেশন আবার যখন চালু হয় আপনারা সবাইকে ডাকবো, ওইখানে আসবেন আপনারা, আশা করছি উইদিন জুন আমরা চালু করতে পারি। ইটস এ মিরাকল, পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সব থেকে বড়ো ক্লাস্টার। আপনি নিশ্চয়ই আপনার পেপার ফলো করে দেখবেন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ক্লাস্টার নিয়ে খুবই বলেন, এ ক্লাস্টার, ফ্যান ক্লাস্টার, এ ক্লাস্টার, ও ক্লাস্টার বলেন উনি, সেরকম এটা একটা ক্লাস্টার। আশা করব, ওনাকে চেষ্টা করব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে আসতে হবে। प्रगतिशील बावड़ी समाज पश्चिम बर्धमान जिला के अध्यक्ष समर बावड़ी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय से मुलाकात की और उन्हें पुष्प पुंज देकर सम्मानित किया। इस मौके पर समर बावड़ी ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के भारी बहुमत से जीतने के बाद उच्च नेतृत्व ने सही व्यक्ति को सही समय पर सही जगह बैठाया है। जिस तरह विधान उपाध्याय विधायक के रूप में बाराबनी का विकास किए, उसी तरह नगर निगम क्षेत्र को विकास करे। इनके नेतृत्व में आसनसोल शहर भाई चारा को निभाते हुए विकास के पथ पर अग्रसर करेगा। यहाँ सभी धर्म या भाषा के लोग एक साथ मिलकर आसनसोल का विकास करें, इसी उद्देश्य से आज मेयर को सम्मानित किए और उन्हें बधाई दी। सही समय पर सही जगह पर सही आदमी को बैठाया गया, जैसे कि उन्हें बड़ा बनी तो जिस तरह से डेवलप किया, उसी तरह से हम लोग चाहते कि आसनसोल सिटी को उन्हें डेवलप करें। ग्रीन सिटी जो जिसको बताया गया, आने वाला दिन में इसको सही से मैंने ग्रीन सिटी का रूप मिले, ये हम लोग विधानसभा से आशा रखते हैं। जैसे कि ब्रदरहुड सिटी बोला गया इसको, इस ब्रदरहुड सिटी की जो हमारे भाईचारे का बारे में जो विचार है, वो भाईचारा आगे आने वाला दिन में इसे बरकरार रहे। हर जात, हर धर्म, हर पार्टी का जो भी हो, इस एरिया का जैसे डेवलप होना चाहिए, वो डेवलप हम लोग उससे आशा रखते हैं। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। यार एक बात पूछू। हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है, लगता है बहुत महंगा है।
अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत अट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के क्वालिटीदार और टिकाऊ। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना, वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में, साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड आसनसोल। अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से युक्त मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, आप यहां पाएंगे वर्ल्ड क्लास और अति उन्नत चिकित्सा उपकरण और सेवाएं, 24/7 इमरजेंसी, लेटेस्ट मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर और आधुनिकतम उपकरण युक्त ICU, HDU, NICU, डायलिसिस यूनिट, वार्ड, केबिन्स, आपके बेहतर उपचार के लिए 24/7 फार्मेसी के साथ। इसके अलावा सिटी स्कैन, USG, एक्सरे, इको, रक्त जांच और अन्य सभी तरह की नवीनतम पैथोलॉजी एंड इमेजिंग सुविधाएं भी उपलब्ध है। ये सारी स्वास्थ्य सेवाएं उचित दरों पर आपके शहर आसनसोल में केवल मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, भगत सिंह मोड़, आसनसोल में उपलब्ध है। आसनसोल के हृदय स्थल आपकर गार्डन सेंड्रेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकर्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट, शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। कॉन्टेक्ट 8436000010। आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सा के विभिन्न आयाम, डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच, साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, SB गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड़ आसनसोल सेंटर। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेन सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ, तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, GT रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। पश्चिम बर्धमान फोटोग्राफर एसोसिएशन की ओर से गुरुवार को मेयर विधान उपाध्याय को गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। यहां संस्था के अध्यक्ष अरूप रजक, बबलू सहित सभी सदस्य उपस्थित थे। अरूप रजक ने कहा कि नए मेयर के रूप में विधान उपाध्याय को पाकर बेहद खुशी हुई है, उन्हें सम्मानित करने आए थे। साथ ही हम फोटोग्राफर की कुछ मांगे थी जो पिछले मेयर के पास भी रखे थे, किसी कारणवश नहीं हो पाई। नए मेयर ने आश्वासन दिया है वे मामले को देखेंगे। আজকে আমরা দেখা করলাম, প্রথমত বিধানদাকে আমরা সম্মান জানালাম, একটি উনি যে আমাদের মেয়র হয়েছেন তার জন্য আমরা প্রচণ্ড আনন্দিত এবং সবাই খুব প্রাউড ফিল করছি যে ওনার মতন মানুষ আজকে আমরা মেয়র হিসাবে পেয়েছি। এবং আমাদের পশ্চিম বর্ধমান ফটোগ্রাফার অ্যাসোসিয়েশনের কিছু দাবি ছিল আমাদের, বিধানদাকে বলেছি, উনি আমাদেরকে যথেষ্ট আশ্বাস দিয়েছেন এবং পরে দেখা করার কথা বলেছেন যে পরে এসে একবার দেখা করো, যেটা তোমাদের দাবি আছে সেটা আমরা করবো। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हिंदू वाहिनी द्वारा काला झंडा दिखाए जाने के विरोध में गुरुवार को दुर्गापुर नगर निगम के 25 नंबर वार्ड विधान नगर इलाके में तृणमूल कांग्रेस के बैनर तले सड़क जाम कर योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी का पुतला जलाया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व तृणमूल कांग्रेस नेता उत्तम मुखर्जी और दुर्गापुर नगर निगम के MIC दीपांकर लाहा ने दिया। दीपांकर लाहा ने BJP पर हार के डर और बौखलाहट में ऐसा करने का आरोप लगाया। भाजपा पश्चिम बंगाल में
हुई हार के सदमे से अभी भी नहीं उभरी है, इसलिए बनारस में काला झंडा दिखा रही है। उत्तर प्रदेश से भाजपा का सफाया तय है, विकास के मुद्दे से भटक कर भाजपा हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, इससे लोगों का पेट नहीं भरेगा। राज्य के मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से राज्य का विकास किया है वैसा विकास उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है। আমার সেদিন রাতের থেকে ঘুম হয়নি, সেদিন থেকেই ভেবেছিলাম যে কুশপত্তলিকা দাহর মধ্য দিয়ে তাদের কিন্তু প্রকৃত দাহ করতে হবে। প্রকৃত দাহর মধ্য দিয়ে বাংলার মাটিতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 2024 সালে লোকসভা নির্বাচনে মা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজকে ভারতবর্ষের মা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত যেন হতে চাইছেন, বা আমরা চাইছি বাংলার মা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত, ভারতবর্ষের মা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবেন, সেদিনকে আমাদের কিন্তু আমাদের আন্দোলন থামবে। दुर्गापुर नगर निगम के 29 नंबर वार्ड ग्रेफाइट फैक्ट्री के सामने गुरुवार की सुबह स्थानीय लोगों ने सड़क मरम्मत की मांग को लेकर सड़क पर वाहनों की आवाजाही एक घंटे तक जाम कर प्रदर्शन किया। 4 नंबर बोरो चेयरमैन सुनील चटर्जी के आश्वासन के बाद लोगों ने सड़क से प्रदर्शन हटा लिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि फैक्ट्री के सामने वाले सड़क की मरम्मत का कार्य अड्डा के दायरे में आता है, लेकिन यहाँ पर कई सालों से मरम्मत का कार्य लटका हुआ है। आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण प्रबंधन कहता है कि सड़क मरम्मत का कार्य दुर्गापुर नगर निगम करेगा, जबकि दुर्गापुर नगर निगम का प्रबंधन अड्डा पर जिम्मेवारी थोप रहा है। 4 नंबर बोरो चेयरमैन सुनील चटर्जी ने कहा कि कुछ दिनों में अड्डा की तरफ से सड़क मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। 2,80,00,000 रुपए का टेंडर पास हुआ है। लगभग एक घंटे की आवाजाही ठप होने के बाद कोकोवेन पुलिस ने लोगों को समझा बुझा कर सड़क पर आवाजाही दोबारा से चालू कराया। রাস্তাটা করে দেওয়া হোক, এই রাস্তা দিয়ে আমরা যাওয়া আসা করতে পারছি না, যারা গাড়ি নিয়ে যাচ্ছে সেই দাদারাও পাচ্ছে না। এতবার কোন অনুরোধ করা হচ্ছে, আমাদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রত্যেকবার তুলে দেওয়া হচ্ছে। চেয়ারম্যান বলেছিল আমাদের ফাইল দেখিয়েছিল যে হবে, কিন্তু টাকা পয়সা কিচ্ছু নেই। আমাদের এখানে যে রাস্তাতে যে রাস্তাটা তৈরি হবে তার জন্য একটা টাকা নেই যে আমাদের এখানে রাস্তাটা করবে, কিন্তু মিথ্যা কথা বলে যাচ্ছে রাস্তা হবে। সুনীল চ্যাটার্জি কাকু আমাদের যেটু বলেছিল যে রাস্তা 15 দিনের মধ্যে আমি দেখছি কি করা যায়, তারপরে উনি 1 মাস বললো, আজকে 3 মাস হয়ে গেছে, কোনো কিচ্ছু নেই, উনি এখনো পর্যন্ত আসেনি। রাস্তার কোনো ইয়ে নেই, কখনো গাড়ি ভাঙছে কখনো গাড়ি এসেছে, রাস্তার পুরো পজিশনটা খারাপ। টোল ট্যাক্স কত করে নেয়? 300 টাকা, 10 টাকা থেকে 18 টাকা হোক 300 টাকা। তো তারপর রাস্তা সংস্কার হচ্ছে নাকি? সমস্যা কি দেখতে পাচ্ছেন আমরা, এদিকে রাস্তার অবস্থা, ওদিকে ভাঙছে এদিকে ভাঙছে, চারদিকে গাড়িগুলো ভয় আছে, দুর্ঘটনাও তো ঘটছে অনেকটা। সেদিনকে তো ওখানে পাতিবাতি ভেঙে গেছিল একটা গাড়ি, কত জাম হয়ে গেছে। টুল ট্যাক্স দিয়ার বললি তো মতলব বিনা পর্চিতে ছাড়বেই না ওরা। হ্যাঁ, দুজন দুজনকে, এ ওকে ঠেলছে ওকে ঠেলছে, এদের মাঝখানে আমরা পড়ে গেছি, মানে একটা গিরোর মধ্যে। তো এই ঝামেলা মিটিয়ে আমাদের তাড়াতাড়ি রাস্তার ব্যবস্থা করা হোক, রাস্তাটা তৈরি। আর একটাই কথা লাস্টে, একটাই হাত জোড় করবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে, এটাই নিবেদন করবো যে আপনি একটু দেখুন আমাদের এই দুর্গাপুরের গ্রাফাইট রোড বনফুল সরণী রাস্তাটা, যে রাস্তাটা দিয়ে 3-3টে কোম্পানির গাড়ি, হেভি লোডেড গাড়ি যাচ্ছে। आसनसोल में TVS टू व्हीलर का एकमात्र ऑथोराइज्ड मेन डीलर PSJ TVS 11/43 अपोजिट ईस्टर्न रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल आसनसोल। आनंदम एजुकेशन सेंटर लेकर आया है सुनहरा मौका। मान्यता प्राप्त बोर्ड से एक चांस में पास करें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा। आनंदम एजुकेशन सेंटर पेश करता है उपयोगी कोर्स स्पोकन इंग्लिश एंड GDPI, एडवांस स्पोकन इंग्लिश, किड्स कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, एंकरिंग, न्यूज रीडिंग। कॉन्टेक्ट आनंदम एजुकेशन सेंटर, भुला भवन, वेस्ट अपकार गार्डन, नियर कलकत्ता स्वीट्स, आसनसोल 4। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर, वेलकम मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर। सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम समीरन राय रोड गोधुली गुरुद्वारा के पास आसनसोल। आसनसोल
सोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुड़ाई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गुड़ाई रोड, आसनसोल। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज पे बेहतर कलेक्शन। भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, चाचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। CBSE से मान्यता प्राप्त दिल्ली पब्लिक स्कूल में प्री नर्सरी से 12वीं तक नामांकन जारी। हमारे यहाँ साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी और योग्य शिक्षक देते हैं छात्रों को सर्वोत्तम शिक्षा। DPS आसनसोल प्रदान करता है हजारों पुस्तकों से संपन्न लाइब्रेरी, आधुनिक उपकरणों वाला लैब, स्मार्ट कक्षाएं, स्कूल में विशाल हवादार परिसर, खेल कूद का उत्तम प्रबंध, ट्रांसपोर्ट तथा अन्य सुविधाएं, मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा। DPS आसनसोल, एथोरा NH2 आसनसोल बाईपास। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी, विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी, पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युक्तियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। अंडाल थाना के खांद्रा खेल मैदान में बुधवार की रात करीब 11 बजे हुई बमबाजी को लेकर इलाके में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। घटना के आरोप में पुलिस ने दोनों गुटों के दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अपने अपने समर्थकों की रिहाई की मांग पर गुरुवार की सुबह दोनों पक्षों के लोग अंडाल थाने में एकत्रित हुए एवं अपने समर्थकों की रिहाई की मांग की। आंदोलनकारियों की ओर से करीब एक दर्जन लोगों ने अंडाल थाना प्रभारी शांतनु अधिकारी से मुलाकात की एवं दूसरे पक्ष के लोगों पर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों एवं पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक देखने को मिली। पुलिस द्वारा घटना की पुनः छानबीन कर दोषी पर कार्रवाई करने के आश्वासन पर मामला शांत हुआ। गोष्ठीबाजी कोनो गल्प नहीं, कल के हमारे खांदा फुटबल मठे আমাদের কয়েকটা নেতৃত্ব মিলে, আমাদের প্রধান প্রধান সবাই ছিল, আমাদের কিছু সামান্য নেতৃত্ব ছিল, কর্মীরা ছিল, তারা মিলে ওই আগামী 7 তারিখে আমাদের মাধ্যমিক পরীক্ষা আছে, সেই পরীক্ষা নিয়ে একটা ছাত্রছাত্রীদের সম্বোধনা দেওয়ার ব্যাপারে আমরা ছোটো করে একটা আলোচনার ছাড়ছিল। তারপরে আলোচনা ছাড়ার পরে আমি কিছুক্ষণ বেরিয়ে আসার পরে যখন আমাদের মিটিং শেষ হয়ে তার কিছুক্ষণ পরেই আমাদের দু একজন ছেলে ছিল থাকাকালীন, জানি না কাকে টার্গেট করে কী ছিল, এটার মধ্যে অনেক বড় রহস্য রয়েছে। হ্যাঁ, মনে হয় পুলিশ যদি তদন্ত করে একটা ব্লাড কোনো বড় রকম বিস্ফোরক একটা বোমা মারে, তার পাশে একটা কোনো চার চাকা ছিল সেখানে কিছু হয় এবং মাঠটা একটা বিশাল আকারের কথাও আপনি দেখতে পাবেন যে তার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। মানে বিরোধী মানে আপনাদেরই দলের একাংশের অভিযোগ যে আপনাদেরই অঙ্গুলির হেলন এই সকল হয়েছে, এটা পুলিশ রয়েছে আমাদের দলের আরো উঁচু নেতৃত্ব রয়েছে, তারা একটু দেখুক ব্যাপারটা কি কি কারণ কি। CL কে সিদুলি প্রজেক্ট কা কার্য প্রারম্ভ হোনে কে সাথি পুনর্বাসন কে মাঙ্গো কো মুদ্দা বানাকর ইয়াহা কে গ্রামীণ আন্দোলনরত থে। আন্দোলন কে কারণ প্রজেক্ট কা কার্য বন্ধ পড়া থা। ECL প্রশাসন এবং গ্রামীণো কে সমঝোতে কে বাদ প্রজেক্ট কা কার্য ফির সে প্রারম্ভ কিয়া গয়া হ্যায়, পরন্তু আব ইয়াহা আপনা वर्चस्व कायम करने को लेकर TMC के दो गुट खुलकर आमने सामने आ चुके हैं। नए प्रोजेक्ट में अपना दबदबा बनाने को लेकर बुधवार की रात दोनों गुटों के बीच आपसी जंग छिड़ गई। इस दौरान दोनों गुटों के लोगों के बीच गोलीबारी एवं बमबाजी का आरोप है।
दो वर्षों से बकाया मासिक वेतन के भुगतान की मांग पर भारत संचार निगम लिमिटेड आसनसोल महाप्रबंधक कार्यालय में कार्य करने वाले कैजुअल श्रमिकों ने गुरुवार को आसनसोल स्थित महाप्रबंधक कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान श्रमिकों ने बताया कि वे लोग पिछले 22 वर्षों से कैजुअल कर्मचारी के रूप में बीएसएनएल में कार्यरत हैं। वर्ष 2019 अक्टूबर तक उन लोगों का वेतन नियमित रूप से मिलता था, लेकिन उसके बाद से कभी एक माह का वेतन, कभी चार माह बाद वेतन मिलने लगा। आज ऐसी परिस्थिति हो गई है कि लगभग दो वर्ष होने चले और उन लोगों का वेतन भुगतान नहीं हुआ है। उन लोगों को खाने के लाले पड़ गए हैं, बच्चों की पढ़ाई बाधित हो गई है। वे लोग कई बार आसनसोल जीएम से गुहार लगाए, लेकिन वह केवल आश्वासन देते हैं। অফিসে আন্দোলন চালাচ্ছি আজকে আমরা নিরুপায় হয়ে, তার কারণ আমরা বিএসএনএলে গত বিগত 22 বছর ধরে আনলিস্টেড ক্যাজুয়াল লেবার হিসেবে কাজ করছি। পূর্বে আমাদের বেতন নিয়মিত হতো, মাসের 10 তারিখ হোক বা 15 তারিখ হোক, কিন্তু 2019 অক্টোবরের পরে স্টিল নাও আজ পর্যন্ত বেতন কখনো এক মাসের বেতন দেয়, তারপরে আবার চার মাসের বেতন দেয়। ওই জন্য আমাদের দীর্ঘদিন বকেয়া বেতনটা আজকে প্রায় দু বছর হতে চলল। তার জন্য বিএসএনএল ম্যানেজমেন্টের সাথে অনেকবার আলাপ আলোচনা হয়েছে। ম্যানেজমেন্ট কর্তৃপক্ষ মানে আসানসোল বিএসএনএল ম্যানেজমেন্ট কর্তৃপক্ষের সর্বময় কর্তা জিএম সাহেব প্রতিবারই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, কিন্তু প্রতিশ্রুতিটা বাস্তবে রূপায়িত হয়নি। জিনিস বারবার বলা সত্ত্বেও ওনারা বলেন কর্পোরেট অফিস পয়সা দিলে আমরা পেমেন্ট করব। তো কর্পোরেট অফিস কখন পয়সা দেবে তার রেসপন্সিবিলিটি তো জিএম আসানসোলকে নিতে হবে। वहीं बीएसएनएल आसनसोल जीएम संजीव कुमार ने कहा कि कंपनी की स्थिति आर्थिक रूप से ठीक नहीं है, बीएसएनएल नुकसान में चल रहा है, जिसके कारण वेतन भुगतान में देरी हो रही है। वह भी चाहते हैं कि कैजुअल श्रमिकों का बकाया जल्द से जल्द भुगतान हो, लेकिन कॉर्पोरेट ऑफिस से पैसा आने के बाद ही वे भुगतान कर सकते हैं। देखिए करना है, हम लोग कोशिश में लगे रहते हैं कि जो पुराना ये है बैकलॉग है वो रिवाइज हो। बाकी हमारे पास हमारा एक लिमिटेड ये है, हम लोग प्रोसेस वगैरह सारा करते हैं। इसके अलावा पैसा तो ऊपर से आता है, हायर ऑफिस से आता है, तो हम लोग का प्रोसेसिंग वगैरह किया हुआ है। बैकलॉग क्लियर करने के लिए हम लोग सारा प्रोसेस कर रहे हैं। फंड का जो अवेलेबिलिटी की जहाँ तक बात है वो हम लोग के कंट्रोल में नहीं रहता, हम लोग रिक्वेशन भेजते हैं, वहाँ से पैसा आता है, पैसा आता है तो वो डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट होता है। सर 24 महीने तक अगर वेतन नहीं मिले किसी 24 महीने कर्मचारी का सिर्फ बात नहीं, हमारे बीएसएनएल में भी फाइनेंशियल क्रंच है, क्राइसिस है थोड़ा सा, ये तो आप लोग को मालूम ही होगा। और उस हिसाब से अभी थोड़ा सा जैसे जैसे हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि रिकवरी होगी तो उस हिसाब से सिचुएशन भी इम्प्रूव होगा। और सिर्फ लेबर्स की इनकी बात नहीं है, हमारे जो वेंडर्स हैं, सप्लायर्स हैं, सभी के साथ ये इश्यूज है। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं PSJTVS DPS आसनसोल सुधा हेल्थ केयर ली बालाजी फैशन हर घर की पसंद फर्नीचर वर्ल्ड चेस ज्वेलरी मिड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट सुधा उद्योग PN घाटी आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकर्स गुरु गोपीराम हॉस्पिटल